नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद टीवी लॉन्च करेंगे। इक्यासीवीं सर्व भारती प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस आज वर्चुअल मोड राही होगी। दिल्ली पुलिस वालों पाकिस्तान तो सिखलाई प्राप्त दो अतवादियों सने 6 की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों नूं पंजाब विच कीते जा रहे प्रदर्शनों नूं बंद करन दी मुड़ अपील की। पंजाब विच धरती हेठले पानी दे डिगदे म्यार नूं उच्चा चुकण दे मकसद नाल बनाई गई विधानसभा दी विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर नूं सौंपी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उपराष्ट्रपति अते राज्यसभा दे चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम संसद भवन दे कमेटी रूम विच सांझे तौर ते संसद टीवी लॉन्च करनगे। संसद टीवी अंतरराष्ट्री लोकतंत्र दिवस मौके लॉन्च किया जा रहा है। जिक्रयोग है कि इस साल फरवरी महीने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के रलेवे का फैसला किया गया सी अते मार्च में संसद टीवी का सीईओ लगाया गया। संसद टीवी ते प्रोग्राम मुख तौर पर चार श्रेणियों में प्रसारित होंगे, जिन्हां विच संसद का कामकाज अते लोकतंत्री संस्थावां शासन अते स्कीमां अते नीतियां लागू करन, भारत का इतिहास अते संस्कृति अते अजकल दे समय दे मुद्दे अते चिंतावां शामिल ने। 81वीं सर्व भारती प्रिजाइडिंग अफसर कॉन्फ्रेंस अज वर्चुअल मोड राही होगी। कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन ते लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला इस कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करनगे। देश के वख-वख राज्यां दे विधानसभा स्पीकर इस विच हिस्सा लैणगे। कॉन्फ्रेंस दौरान लाइवंत लोकराज विच विधायकां दी भूमिका बारे चर्चा की जाएगी। ये गल जिक्रयोग है कि हर वरे 15 सितंबर का दिन लोकतंत्र कौमांतरी दिवस वजों मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन में बीती शाम मंत्री परिषद की मीटिंग दौरान वख-वख सरकारी स्कीमों का जायजा लिया गया। मीटिंग में सारे मंत्री ते राजमंत्री भी शामिल सन। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक इस मीटिंग दौरान कोविड प्रबंधन नाल जुड़िया वख-वख सरकारी स्कीमों का जायजा लिया गया। देश भर में चल रहे टीकाकरण की स्थिति पर भी गौर किया गया। केंद्र सरकार ने 2022 के अंत तक सारे योग नागरिकों को टीका लगाने का व्यापक प्रोग्राम उलीकिया होया है। मीटिंग दौरान चल रहे किसान अंदोलन पर भी विचार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रियों को कहा कि सरकारी स्कीमों का सारे लोगों तक लाभ पहुँचाने यकीनी बनाया जाए। हुण तक देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत 75,81,00,000 तो वध लोगों टीके की खुराक दी जा चुकी है, जिन्हां विच 54,00,000 तो वध लोगों बीते दिन यह खुराक दी गई। सेहत मंत्रालय वालों दी जानकारी मुताबक 57,00,000 के करीब लोगों कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 18,00,000 तो वध लोगों दोवें खुराक दी जा चुकी ने। भारत अते बरतानिया 1 नवंबर नूं मुक्त व्यापार समझौतियां उपर गलबात शुरू करनगे। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने बरतानिया दी मंत्री एल्जा बेट्रस नाल गलबात दौरान इस मुद्दे उपर चर्चा की। गोयल ने कहा कि दोहां देशां विचाले प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतियां नाल व्यापार वड्डे पद्धर ते वधेगा अते रुजगार दा सिरजन भी होवेगा। उन्हां दस्सिया कि मुक्त व्यापार समझौतियां नूं लै के दोहां देशां दे व्यापारक भाईचारे विच काफ़ी उत्साह है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल दे पाकिस्तान तो सिखलाई लै चुके दो अतवादियों समेत 6 लोगों को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के संगठित अतवादी मोडियल का पर्दाफाश किया है। ये शक्की व्यक्ति देश के कुछ वड्डे शहरों में अतवादी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहे सन। दिल्ली पुलिस के विशेष सैल के विशेष कमिश्नर नीरज ठाकुर ने बीती शाम नवी दिल्ली दस्या कि इस मुहिम तहत कई राज्यों में छापे मारे गए। एक व्यक्ति राजस्थान के कोटा, 2 दिल्ली अते 3 उत्तर प्रदेश तो गिरफ़्तार किए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हों को विस्फोटक हथियार अते गोली सिक्का बरामद किया है। उन्होंने इसे दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल की अतवाद विरुद्ध चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता दसिया।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इस मामले उत्ते बीते दिनी उन्हां वल्लों प्रगट कीते गए विचारां दी संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों आलोचना कीते जाण उत्ते प्रतिक्रिया जाहर करदे होए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख प्रगट करदिआं कहा कि इस मामले उत्ते उन्हां दी सरकार दी स्पष्ट हदायत दे बावजूद किसानां ने उन्हां दी अपील दे गलत अर्थ कढ़े ने अते इस नूं पंजाब विच आगामी विधानसभा चोणां नाल जोड़न दी कोशिश कीती है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती कानूनों के मुद्दे उत्ते उन्हां दी सरकार अते पंजाब दे लोक हमेशा ही किसानां नाल डट के खड़े ने अते ये बहुत दुख की गल है कि ये लोग हुण सूबे भर में किसान भाईचारे के चल रहे रोस प्रदर्शनों कारण मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उन्हां खदशा जाहर किया कि पंजाब विच निरंतर रोस प्रदर्शन नाल उद्योग सूबे विचों बाहर चले जाएंगे जिन्हां दा अर्थव्यवस्था उत्ते डूंघा असर पवेगा। उन्हां कहा कि प्रदर्शनों कारण FCI अते सूबे दीआं एजेंसियां वल्लों स्टॉक चुकण विच आ रही रुकावट के चलदे अनाज भंडारण ते खरीद की स्थिति पहला ही गंभीर बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दिंदिया कहा कि जेकर हालात इस तरह जारी रहे तो असी निवेश माली अते रुजगार के मौकों तो हाथ धो बैठांगे। मुख्यमंत्री ने फिर तो किसानों पंजाब विच कीते जा रहे प्रदर्शनों बंद करने की अपील की जिसका उन्हां दी इस दुर्दशा नाल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबे में अडानी जां रिलायंस वालियां दी ना मात्र मौजूदगी है। पंजाब दे मुख चोण अफसर एस करुणा राजू ने कहा कि सूबे विच मतदान बूथ की गिनती वधाई गई है ते हुण 23,211 की थां 24,699 मतदान केंद्र होणगे। मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां दस्सिआ कि कोविड महामारी नूं मुख रखदिआं हुण मतदान केंद्र उपर वोटां पाउण वालिआं की गिनती 1400 तो घटा के 1200 कीती जाएगी। उन्हां दस्सिया कि इस लड़ी लई वधेरे EVM की लोड़ होगी ते इस नूं मुख रखदिआं मध्य प्रदेश के वख-वख ज़िलिआं तो 10,500 कंट्रोल यूनिट अते 21,101 VVAT पंजाब मंगवाए जा रहे ने। उन्हां दस्सिया कि इस वादे नाल उन्हां दे दफ्तर कोल 45,316 बैलट यूनिट 34,942 कंट्रोलिंग यूनिट ते 37,576 VVPAT मशीनां उपलब्ध होणगीआं। पंजाब गऊ सेवा दे चेयरमैन सचिन शर्मा ने पंजाब सरकार वल्लों पशु पालन विभाग नूं गऊशालावां विच रखे पशुआं लई झोने दी पराली नूं चारे वजों वरतण दे ढंग तरीके तलाशण दे दित्ते हुक्मां लई मुख्यमंत्री दा धन्नवाद कीता है। उन्हां कहा कि इस नाल दोहरा फायदा होवेगा, वातावरण प्रदूषित नहीं होवेगा ते सूबे विच गऊ धन ते होर पशुआं लई भरपूर मात्रा च चारे दा प्रबंध कीता जा सकेगा। चंडीगढ़ तो जारी बयान विच उन्हां कहा कि कमिशन वल्लों सूबे भर विच स्थापित गऊशालावां लई मौजूद ट्रैक्टर ट्रालियां नूं पराली चुकण लई वरत्या जाएगा ता जो पराली नूं स्टोर करके चारे दी औड़ वेले वरत्या जा सके। पंजाब विच धरती हेठले पानी दे डिगदे म्यार नूं उच्चा चुकण दे मकसद नाल बनाई गई पंजाब विधानसभा दी विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा दे स्पीकर राणा KP सिंह नूं सौंप दित्ती है। विधानसभा दे बुलारे ने चंडीगढ़ विच दस्सिया कि इस वरे 4 मार्च नूं सदन विच विचार चर्चा दौरान धरती हेठले पानी दे डिगरे पद्धर ते चिंता का प्रगटावा करदिआं विशेष कमेटी के गठन की मांग की गई सी ते बीती 24 मार्च नूं राणा गुरजीत सिंह की प्रधानगी हेठ 6 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। कमेटी ने जल स्रोत विभाग के माहरां ते होर संबंधित धिरां नाल विचार वटांदरा करके उन्हां दे सुझावां नूं रिपोर्ट विच शामिल किया। स्पीकर राणा KP सिंह ने कहा कि वह इस रिपोर्ट नूं योग कार्रवाई राहीं सरकार तक पुजदी करनगे तां जो इस ते ढुकवीं कार्रवाई की जा सके। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबर एक बार फिर तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन MVNK लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद TV लॉन्च करेंगे। 81वीं सर्व भारती प्रीजाइडिंग अफसर कॉन्फ्रेंस आज वर्चुअल मोड राही होगी। दिल्ली पुलिस वालों पाकिस्तान तो सिखलाई प्राप्त 2 आतंकवादियों सने 6 की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को पंजाब में किए जा रहे प्रदर्शनों को बंद करने की मुड़ अपील की।
पंजाब विच धरती हेठले पानी दे डिगदे म्यार नूं उच्चा चुकण दे मकसद नाल बनाई गई विधानसभा दी विशेष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर नूं सौंपी। इस दे नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।